लगता है ब्रह्मास्त्र फिल्म को लेकर बॉलीवुड पर फिर से लोगों ने विश्वास किया है और यह विश्वास टूटने वाला नहीं है। जो जो लोग इस फिल्म को बायकॉट कर रहे थे उस लोगों को जोरदार तमाचा लगा है। जितना ब्रह्मास्त्र फिल्म का टिकट बुक हो रहा है उतना जोरदार तमाचा उन बायकॉट करने वालों को लग रहा है। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि टिकट बुकिंग के मामले में ब्रह्मास्त्र फिल्म ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2022 का नंबर 1 ऐसी फिल्म बन गई है जो हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है सिर्फ 1 घंटों में 67 लाख रुपए की टिकट बुक करने का। आप लोग को बताना चाहूंगा कि इसकी टिकट बुकिंग और ऑक्युपेंसी रिपोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो आखिरकार किन शहरों में किस तरह की रिपोर्ट सामने आई है वो चीज मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग को बता दूं कि हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो या कोलकाता हो या सूरत हो या जयपुर हो या लखनऊ हो या पटना हो, दिल्ली NCR हो या अहमदाबाद हो, देश के कोने कोने में इसकी ऑक्युपेंसी रिपोर्ट्स टिकट बुकिंग के मामले में रिकॉर्ड तोड़ आ रहा है। कहीं 35% देखने को मिल रही है, कहीं 67% देखने को मिल रही है, कहीं तो 82% देखने को मिल रही है। और इसको देखते हुए आखिरकार बहुत सारे ट्रेड एक्सपर्ट ने यह कहा है कि 48 घंटे के अंदर फर्स्ट डे फर्स्ट शो के सारे शो हाउसफुल चल जाएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं, जितनी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रही है वो भी इस फिल्म के टिकट बुकिंग को लेकर वो काफी आउटस्टैंडिंग है। क्रिटिक्स हो या मेकर्स हो, इतना भी नहीं सोचा था कि इतनी जबरदस्त टिकट बुकिंग होगा, मगर लोगों ने सोचा, लोगों ने विश्वास किया और लोगों ने यह सोचा कि आखिरकार क्या बॉलीवुड वालों ने इस बार क्या नया किया है, एक बार देखना तो बनता है। लोगों ने विश्वास करके टिकट बुक कर रहे हैं और इस बार उनका विश्वास नहीं टूटेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही लाजवाब है, टॉप क्लास की फिल्म है। इस फिल्म में आप लोग को देखने को मिलेंगे जहां तक रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, नागा अर्जुन, साथ में जहां तक शाहरुख खान भी देखने को मिलेंगे, अमिताभ बच्चन देखने को मिलेंगे, कई सारे एक्टर देखने को मिलेंगे। यह फिल्म कुल 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में। तो क्या आपने टिकट बुक की है? नहीं की है तो फटाफट टिकट बुक करें। और जो जो लोग टिकट बुक कर ले हैं आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताएं कि आप लोग ने कितना टिकट बुक किया है। मिलते हैं अगले अपडेट में।